महाराष्ट्र में महायुति के बीच करीब 10 सीटों पर फंसा पेच, अखिलेश यादव ने ली चुटकी, बोले महाराष्ट्र में बीजेपी की महाहार होगी, बीजेपी का गठबंधन बड़े अंतर से हारेगा। मुंबई की वर्ली सीट पर उद्धव और शिंदे सेना में होगी टक्कर, आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को उतारा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नामांकन दाखिल किया, नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लड़ेंगे चुनाव। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा आरक्षण विरोधी है कांग्रेस, बीजेपी के रहते हुए आरक्षण खत्म नहीं होगा। पर्चा भरने से पहले नागपुर में देवेंद्र फडणवीस का रोड शो, नितिन गडकरी भी मौजूद, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नामांकन भरने से पहले नागपुर में नितिन गडकरी के घर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, मुंबई में अजीत पवार की मौजूदगी में ली सदस्यता। एनसीपी में एंट्री के बाद जीशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर अटैक, बोले कठिन समय में बहुत चेहरों के रंग बदलते देखे, महाविकास आघाड़ी ने बहुत झूठे वादे किए हैं, जनता मेरे साथ, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बीजेपी नेता निशिकांत भूसे पाटिल और संजय काका ने एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन की, डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में शामिल हुए। एनसीपी के टिकट पर निशिकांत मोसे इस्लामपुर से लड़ेंगे चुनाव, तांसगांव से संजय काका को टिकट। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारी जीत निश्चित। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को किया संबोधित, पीएम ने कहा हर कदम मोर्चे पर भारत जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा आने वाले 25 साल के लिए विकसित भारत का रोडमैप तैयार, मुझे खुशी है कि ऐसे समय पर जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा जर्मनी में स्किल्ड भारतीयों के लिए हर साल वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 के, हमारा आपसी व्यापार $30 मिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंचा। जर्मन चांसलर ने पीएम मोदी से मुलाकात की, ओलाफ स्कोल से पीएम मोदी से कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। जर्मन चांसलर ओलाफ ने हिंदी में ट्वीट कर स्वागत के लिए पीएम का आभार जताया, लिखा दुनिया में हमें मित्र और सहयोगियों की आवश्यकता जैसे भारत और जर्मन। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला जारी, आज फिर 27 विमानों को धमकी मिली, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा की फ्लाइट शामिल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद पर बवाल, मस्जिद हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रदर्शन के दौरान पथराव भी हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के वाहन पर हमला, हमले में 3 सैनिक शहीद, 2 पोटर की भी मौत। बारामूला आतंकी हमले में बोले फारूक अब्दुल्ला, मैं 30 साल से देख रहा हूं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। भारत चीन के बीच समझौते के बाद एक्शन में दोनों देश, एलएसी पर भारत चीन ने डिसएंगेजमेंट शुरू किया। पूर्वी लद्दाख सीमा में सेनाओं को पीछे हटाना शुरू, टेंट, गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण हटा रहे सैनिक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यकारी उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। देशभर में लॉरेंस गैंग पर बहुत बड़ा एक्शन, 7 शार्पशूटर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पूछताछ जारी। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर रखा 10 लाख रुपए का इनाम, एनआईए ने 2022 के 2 मामलों में दर्ज किया था आरोप पत्र। ओडिशा में चक्रवात दाना की आशंका के मुताबिक कम नुकसान, तूफान में किसी की मौत या हताहत होने की खबर नहीं, फिलहाल नुकसान की जांच कर रही है सरकार। चक्रवात दाना पर बोले ओडिशा के सीएम मोहन मांझी, कहा तूफान में कोई हताहत नहीं हुआ, करीब 6,000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन शुरू, चक्रवात तूफान दाना के चलते परिचालन किया गया बंद। तमिलनाडु के सलेम में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव, यातायात प्रभावित। केरल में कई इलाकों में भारी बारिश, स्टैच्यू जंक्शन इलाके में पानी भरा। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई इंडिया गेट के आसपास दिखा स्मॉग। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत देखने को मिली, 300 के पार पहुंचा क्वालिटी इंडेक्स। यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का जलस्तर, दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना में दिखे सफेद झाग। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा, मालगाड़ी पटरी से उतरी, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल में एक निजी इंश्योरेंस कंपनी की महिला मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस को जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड करने की आशंका। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस, किराए के फ्लैट में मिली थी महिला की लाश। रोहतक में दिल्ली की युवती की हत्या कर शव खेतों में दबाया, आरोपी की निशानदेही पर खुदाई कर निकाला शव। कर्नाटक के शिवमोगा में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर घसीटा गया, पूरी घटना एक राहगीर के मोबाइल में रिकॉर्ड। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया, आरोपी की हुई पहचान, जल्द पकड़ने का किया जा रहा है दावा। तिरुपति बालाजी पहुंचे केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद।